अस्सलामुअलैकुम। आज मैं बनाऊंगी घर ही में चॉकलेट और इंतहाई मज़े की और बिल्कुल बाज़ार जैसे फ्लेवर वाली चॉकलेट बनाएंगे। इसको बनाना इंतहाई आसान है, बिल्कुल थोड़े से टाइम में और थोड़ी सी चीज़ों से ये चॉकलेट तैयार हो जाती है। तो चलें रेसिपी को शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने हाफ कप कोकोनट ऑयल यानी नारियल का तेल ले लिया है और ये पिघला हुआ है। अगर पिघला हुआ ना हो तो उसको पहले पिघला लें। अब एक छन्नी रख लें, इसके ऊपर मैं डालूँगी हाफ कप कोको पाउडर। कोको पाउडर जो है बिल्कुल ताज़ा होना चाहिए, पुराना बहुत रखा हुआ पाउडर हो तो उससे फिर अच्छे रिज़ल्ट नहीं आते। तो कोको पाउडर जो है बिल्कुल, तो मेक श्योर कर लें कि कोको पाउडर जो है एक्सपायरी डेट वाला ना हो और बिल्कुल ताज़ा हो। अब इसमें मैं डालूँगी हाफ ही कप सूखा दूध, और सूखे दूध को छानने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल साफ़ है तो इसको ऐसे ही डाल देते हैं। और अब इसमें हाफ कप मैं डालूँगी चीनी, और चीनी को पिसी हुई चीनी है, और आपके पास अगर साबुत चीनी है तो उसको पीस लें, और पीसने के बाद हाफ कप चीनी इसमें डालें और इस तरह से इसको छान लें। तो थोड़ी बहुत अगर ये चीनी के दाने हैं तो ये निकल जाएंगे, इनको निकाल दें। अब इन सब चीज़ों को मिक्स करेंगे, खूब अच्छी तरह मिक्स कर लें कि कोई चीज़ इसमें वाइट नज़र ना आए और बिल्कुल ब्राउन सा हो जाए। अब इसे चूल्हे पे रख के मैंने पकाना शुरू कर दिया है, देगची में शिफ्ट कर दिया था, और अब इसको बिल्कुल हल्की फ्लेम पे, इतना हल्का फ्लेम कि बस जो पायलट पे होता है ना, बिल्कुल वो फ्लेम जो कि देगची के पेंदे को हल्का सा छुए, बस इतने फ्लेम पर इसको हमने सिर्फ 5 मिनट पकाना है। 5 मिनट से ज़्यादा इसको बिल्कुल नहीं पकाना, नहीं तो ओवर कुक हो जाएगा। अब आप चाहें तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है कि 2 टीस्पून इसमें मक्खन डाल दें, क्योंकि मेरा ये सॉल्टेड मक्खन है तो मैंने इसमें नमक नहीं डाला, नहीं तो आप 1/2 चुटकी नमक भी डाल सकते हैं। 2 टीस्पून मक्खन डाल के इसको अच्छी तरह हल कर लें। 1/2 टीस्पून वनीला एसेंस और 1/2 टीस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ मैंगो फ्लेवर। तो आप चाहें तो 1 ही टीस्पून वनीला एसेंस डाल दें या 1 ही टीस्पून मैंगो फ्लेवर डाल दें, तो मैं दोनों का इस्तेमाल कर रही हूँ। और मैंने चूल्हा बंद कर दिया, अब इसको चलाते हुए थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। तो ये देखें कितना अच्छा ये मिक्सर बना है, इसमें खूब अच्छी शाइनिंग आ रही है। अब ये चॉकलेट मोल्ड है मेरे पास, इनमें सब में हम इसको भरते जाएंगे, आराम आराम से इसको भर देंगे हर खाने में। जिस भी शक्ल के, जिस भी शेप के आप चॉकलेट मोल्ड लेना चाहें उसमें आप जमा लें। तो ये आप देख रहे हैं कि कितना बिल्कुल परफेक्ट ये मिक्सचर बना है। तो बस इसको अच्छी तरह भर लें, बीच में कोई खाली स्पेस नहीं रहनी चाहिए। इन सबको भरने के बाद, अब इस वाले को भी मैंने भर लिया, इन सबको भरने के बाद 2-3 दफ़ा टैप ज़रूर करें ताकि जो बीच में अगर कोई खाली स्पेस है वो भर जाए, और उसको फिर दोबारा भर लें जो खाली हो, और इन सबको 2-3 दफ़ा टैप करें। टैप करने के बाद इन सबको अब मैं उठा के फ्रिज में रख दूँगी 2 घंटे के लिए। 2 से 3 घंटे में ये बहुत अच्छी तरह से जम जाती हैं। तो ये सारे डिज़ाइन के तैयार हैं, अब इन्हें उठा के मैं फ्रिज में रख दूँगी, यानी डिफ्रीज़र में इन्हें रख दें। तो ये चॉकलेट जो बाज़ार से हम लाते हैं उसका मोल्ड है बचा हुआ, तो ये बस एक आइडिया देने के लिए मैं आपको दिखा रही हूँ। इसमें भी जमा सकते हैं और ख़ाली इस तरह से भी आप जमा सकते हैं। तो ये 2 घंटे बाद मैं निकाल के लाई हूँ, तो देखें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त ये चॉकलेट बनी है, इसकी शेप भी बहुत खूबसूरत आई है। तो ये देखें, तो ये ऊपर जो दूसरी आपको ऊपर पर वाइट वाइट नज़र आ रहा है, तो ये रेफ्रिजरेटर में रखने की वजह से होता है। थोड़ा सा निकाल के रखेंगे तो इनका ओरिजिनल कलर जो है वापस आ जाएगा। ये जैसे जैसे इसको थोड़ी सी हवा लगेगी तो ये ख़त्म हो जाएगा ऊपर से वाइट वाइट। तो ये दूसरे डिज़ाइन की भी बहुत खूबसूरत बनी है, ये भी मैंने सारी निकाल के डिश आउट कर दी है। और अब ये हार्ट के शेप वाली भी निकाल लेंगे, ये भी इंतहाई खूबसूरत बनी है। ये देखें कितनी ज़बरदस्त झटपट से ये चॉकलेट बन गई है, खाने में इंतहाई मज़ेदार। कोकोनट का बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा है इनमें, देखें थोड़ा सा डिज़ाइन भी है इन सब में। इसके नीचे डिज़ाइन था और ये हार्ट वाले में भी हल्का सा डिज़ाइन है, और सबसे खूबसूरत डिज़ाइन मुझे ये लगता है, ये भी बहुत प्यारा डिज़ाइन है। तो तैयार है हमारी आज की रेसिपी। हमारी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगे, जब तक के लिए अल्लाह।